जय हिंद साथियों, आज का टॉपिक है, आज का थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक है ईयरलिंग बच्चा, ईयरलिंग मछली को पहचान और ईयरलिंग साइज क्या होता है, कैसे ईयरलिंग साइज कितना तैयार किया जाता है, उस सारा डिटेल में मैं आपको बताता हूँ विधिवत तरीका से। तो वीडियो पे अंत तक बना रहें। और देखिए, सबसे पहले जो ये पाउंड जो आपको दिख रहा है, ये पाउंड आपका डेढ़ बीघा का पाउंड है, इसको हम लोग अपनी भाषा में एक एकड़ बोल सकते हैं। तो एक एकड़ का पाउंड जो ये जो दिख रहा है, ये पाउंड में यदि आपको कल्चर करना है तो उसके लिए आपको एक नर्सरी तालाब बनाना पड़ेगा, जिसमें आप अपने मछलियों को ईयरलिंग साइज का बच्चा तैयार कर सकते हैं। फ्राई लाइए या तो स्पॉन लाइए, आप उसको 12 महीना 15 महीना और नर्सरी पौंड में उसको कल्चर करें। नर्सरी पौंड में रखने के बाद वो बच्चा सर्टिफाइड हो जाएगा आपको कल्चर करने के लिए, बड़ा तालाब में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो उसके लिए जब आप इस तरीक़े से आप कल्चर पौंड आपके पास तालाब है, तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ कि नर्सरी पौंड कैसा होना चाहिए, कितना क्वांटिटी में बच्चा रखें ताकि आपको ईयरलिंग बच्चा पर्याप्त मात्रा में मिल सके। तो मैं बता दूं कि ईयरलिंग बच्चा के लिए नर्सरी पौंड ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट से आप बच्चा लीजिएगा ईयरलिंग तो आपको महंगा पड़ता है, और कैसे क्वालिटी का है, कैसे गुणवत्ता का है, वो आप अच्छे से नहीं पकड़ पाते हैं। तो देखिए, ये मेरा पौंड है, नर्सरी पौंड है, इसमें मैं ईयरलिंग बच्चा स्टॉक करता हूँ, साल भर इसमें बड़ा करता हूँ, और उसके बाद मैं इसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ इस वाला तालाब में, ताकि हमको महंगा बच्चा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है और अच्छे गुणवत्ता वाली बच्चा हमें अपने पास पर्याप्त मात्रा में रहता है, ताकि हम अच्छे मछली का कल्चर कर सकें। तो मैं इसमें फ्राई बच्चा लाता हूँ, फ्राई धानी कहिए, फ्राई कहिए, उसमें मैं मिश्रित डालता हूँ, और उसके बाद में इसके कल्चर करने के बाद में इसमें जब ईयरलिंग साल भर उसको हम इस नर्सरी पौंड में डालते हैं, उसके बाद हम इसको इस पौंड में डालते हैं। आप यदि IMC का कल्चर कर रहे हैं तो एक साथ में कौन कौन सी प्रजाति आप नर्सरी पौंड में रख सकते हैं वो मैं आपको मैं बताऊँगा। और मैं ये हवा हवाई बात नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकली जो करते हैं वही आपको दिखाते हैं। तो भाई, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें मोटिवेशनल मिलेगा, हमें जागरूकता मिलेगा, और हम आपके लिए इसी तरीके से नए नए अपने जो रिसर्च जो हमने किए हैं, जो समय बिताए हैं, वो आपके साथ साझा करेंगे और जानकारी आप तक पहुँचाने का कोशिश करेंगे। तो आपको मैं बता देता हूँ कि जब IMC का कल्चर करते हैं तो उसमें रेहू, कतला, ग्लास कार्प, नैनी, अमूल कार्प, ये 4-5 वैरायटी का मछलियाँ एक साथ नर्सरी पौंड में रखिए और उसको इकट्ठे बड़ा होने दीजिए। जब वो 50 ग्राम की साइज आ जाए, तो 50 ग्राम का साइज आने के बाद उसको ट्रांसफ़र कीजिएगा, तो आपको श्योर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको 8 महीने में मछली कल्चर करने, हार्वेस्टिंग करने का साइज हो जाएगा। आप उसको विधिवत तरीक़े से खाना देंगे तो 8 महीने में वो मछली आपको बेचने का साइज हो जाएगा। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि आपको मस्ट है नर्सरी पौंड। नर्सरी पौंड जब तक नहीं आप बना पाएंगे तो तालाब अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आप मछली पालन अच्छा मछली पालक नहीं बन सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका नर्सरी पौंड नहीं रहेगा तो मछली पालक तो आप अच्छे हो ही नहीं सकते हैं, फेलवर होने का 90% का चांस रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, आपसे विनती करता हूं भाई कि जो भाई मछली पालन करते हैं तो नर्सरी पौंड ज़रूर रखें। और मैं बता दूं, IMC के साथ में पंगास का कल्चर अच्छे तरीक़े से होता है, बेहिचक आप IMC के साथ पंगास का कल्चर करें। पंगासियस का कल्चर करने से आपका एक बेनिफिट होगा कि
वो फ्लोटिंग फीड खाती है तो आपका तालाब में गुणवत्ता बना रहेगा, तो उससे IMC भी अच्छी मात्रा में ग्रोथ करेगा। थोड़ा सा IMC का 25% कम रखें डेंसिटी, और 25% भी यदि आप उसके जगह पर पंगास को ऐड कर देते हैं तो आपको अच्छी खासा अर्निंग हो सकता है, अच्छी खासा मुनाफा हो सकता है। तो आपको मैं अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक एकड़ का जो ये तालाब जो दिख रहा है 1.5 बीघा का तालाब में आप कितना मछली डाल सकते हैं, कौन कौन सी मछली डाल सकते हैं और कौन साइज की मछली डाल सकते हैं, और मैं अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल में मैं बताऊंगा कल का वीडियो में कि रेहू कितना डालें, कतला कितना डालें, ग्लास कार्प कितना डालें, नैनी कितना डालें, अमूल कार्प कितना डालें और विकेट कितना डालें या क्या नहीं डालें। मैं सारा वीडियो में विस्तार से अगले वीडियो में आऊँगा। तो तब तक के लिए आपसे अगले वीडियो के लिए मैं विदा लेता हूँ। अब परंतु विदा लेने से पहले मैं एक विनती करना चाहूँगा फिर से कि आप कृपया करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपसे निवेदन है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं भाई, आप कमेंट जरूर करें। आपसे यही मेरा गुजारिश है। जय हिंद, जय भारत।